हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार हेल्थ एंड मोटिवेशन एंड हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अश्वगंधा का अच्छी तरीके से यूज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अश्वगंधा के बारे में हमारे चैनल के द्वारा बहुत सारी वीडियो अपलोड की गई हैं इससे पहले, जिसमें हमने बताया था अश्वगंधा का रिव्यू, अश्वगंधा के बेनिफिट्स और अश्वगंधा टेबलेट्स के बेनिफिट्स वगैरह में अश्वगंधा टेबलेट्स के बेनिफिट्स वगैरह के बारे में हमने वीडियो अपलोड की थी। उन सभी वीडियोस की कमेंट में दर्शकों की यह जो कमेंट आई है कि अश्वगंधा को यूज कैसे करते हैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आज की वीडियो इसी के बारे में है कि आप अश्वगंधा का यूज किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों इससे अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि आप वेट बढ़ाने के लिए अश्वगंधा का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो इस बारे में है कि आप अश्वगंधा का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। दोस्तों आप अश्वगंधा के बेनिफिट्स और इसके रिव्यू के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इससे पहले की अपलोड की गई वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिनकी लिंक कार्ड में है और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो की अपन शुरुआत करते हैं। अश्वगंधा को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक पानी के साथ और दूसरा है मिल्क के साथ। दोस्तों आपको करना यह है कि अगर आप पानी या मिल्क दोनों में से किसी के भी साथ अश्वगंधा को यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको गर्म करना मत भूलिएगा। आपको दूध और पानी दोनों को गर्म करना है और गर्म करने के बाद ही अश्वगंधा को यूज करना है। पहले अपन दूध के ऊपर ट्राई करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपन ने दूध को गर्म कर लिया है। ये जो दूध आपके सामने है वह दूध पहले से ही गर्म है। दूध को गर्म करने के तुरंत बाद आपको इसमें अश्वगंधा डालना है, वो भी कितना, एक चम्मच। दोस्तों गर्मियों के सीजन में आपको दिन में एक बार अश्वगंधा यूज करना है और सर्दियों के सीजन में आपको दो बार यूज करना है। दूध को गर्म करने के एकदम बाद सीधा ही इसके अंदर अश्वगंधा डाल देना है आपको, एक चम्मच। फिर क्या करना है, इस अश्वगंधा के साथ अगर आप हनी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप हनी इसमें मिक्स करते हैं तो स्वाद के अनुसार आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि आपका जो स्वाद है वो भी इसमें मीठा होगा और हनी के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। आप इसमें 3-4 बूंदें हनी मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास नेचुरल हनी उपलब्ध है तो वो यूज करें, या फिर पतंजलि की ओर से भी बहुत ही बढ़िया हनी उपलब्ध कराई जाती है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें अपन 3-4 बूंदें हनी मिक्स कर लेते हैं। आपको इसमें अश्वगंधा की एक अजीब सी स्मेल आपको जो मिलेगी देखने को, और दूध के साथ दोस्तों आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से मिक्स करना है। दूध अभी गर्म है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान से मिक्स करें। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से दूध के अंदर अश्वगंधा को मिक्स करना है। थोड़ी देर तक आप लगातार मिक्स करते रहें और दूध जब ठंडा हो जाए, पीने लायक हो जाए, तब आप इसको पी सकते हैं। दोस्तों आप इस अश्वगंधा को किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं। एक बात यह ध्यान रखनी है कि आपको खाली पेट यूज नहीं करना है सुबह के समय, बाकी किसी भी टाइम आप यूज कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप सुबह भी खाली पेट यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें एसिडिटी वगैरह की समस्या रहती है, इसी कारण मैं आपको यूज ना करने की सलाह दे रहा हूं। नहीं तो अगर आपको एसिडिटी वगैरह की समस्या नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो अपन ने दूध के साथ कैसे यूज करना है यह जान लिया। अब जानते हैं कि आप इसको पानी के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अश्वगंधा है वो दूध के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। दोस्तों अब जानते हैं कि पानी के साथ आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। पानी के साथ यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको पानी को सबसे पहले गर्म करना है। नॉर्मली आप इसको गर्म करने के बाद इसमें दूध में आपने जितना अश्वगंधा मिलाया है उतना ही अश्वगंधा आप पानी में मिला सकते हैं, यानी कि एक चम्मच। ये अपन ने अश्वगंधा इसके अंदर मिला लिया। दोस्तों आपको एक चम्मच यूज करना है, एक चम्मच से ज्यादा यूज नहीं करना है। गर्मियों के सीजन में एक बार और सर्दियों के सीजन में दिन में दो बार यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको इसमें, अगर आप इसमें चीनी या फिर हनी मिक्स करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अपन ने दूध में हनी मिक्स किया था और अभी पानी के साथ अपन मिक्स कर रहे हैं चीनी। चीनी को आपको थोड़ी सी चीनी डालनी है स्वाद के अनुसार, ताकि अश्वगंधा है उसका स्वाद है वो थोड़ा सा कम हो जाए और जो अजीब सा स्वाद आपको जो देखने को मिलता है अश्वगंधा का वो थोड़ा कम हो जाए और आप आसानी से इसको यूज कर सके। अगर आप चीनी और हनी नहीं भी मिलाना चाहे तो भी चलेगा काम, क्योंकि आपको अगर अश्वगंधा का स्वाद भाता है तो आप चीनी और हनी को नहीं भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन अपन ने इसमें चीनी मिक्स की है, पानी थोड़ा सा गर्म है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जब ठंडा हो जाए तब आप इसको अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप अश्वगंधा को सीधा ही पाउडर को मुंह में डालकर और ऊपर पानी पीना चाहे तो भी पी सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह है सैंपल अश्वगंधा का, आप इसको पी सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप पाउडर को सीधा मुंह में डालकर फिर ऊपर पानी पी सकते हैं और इससे भी आसानी से आप अश्वगंधा को यूज कर सकते हैं। ये जो पाउडर है वो सबसे बेस्ट फॉर्म है अश्वगंधा की, और
दोस्तों पाउडर के अलावा अश्वगंधा की टैबलेट्स भी आती हैं जिनको भी आप यूज कर सकते हैं। टैबलेट्स इसलिए बनाई गई हैं ताकि इसको अच्छी तरीके से यूज किया जा सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अश्वगंधा के बारे में और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करें, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका अश्वगंधा अगर आपने यूज किया है तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, या फिर आप अश्वगंधा के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करें, हम 100% कमेंट का रिप्लाई देते हैं। और अगर आपको अश्वगंधा के बारे में और भी डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में लिंक अवेलेबल है जहां पर जाकर आप उन वीडियोज को जरूर देखें। इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर दें और हमारे चैनल हेल्थ एंड मोटिवेशन इन हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।